अंजाम छोड़कर जा रहे हो। तुमने सोचा इसका अंजाम क्या होगा? तुम्हारे इस तरह फरार होते रहने से ये हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान कमजोर हो जाएंगे, और एक ऐसा भी वक्त आ सकता है जब पाकिस्तान के इलाकाई बाशिंदे अपनी जुदागाना हैसियतों का दावा लेकर उठ खड़े होंगे। अगर तुम बंगाल में जाकर आबाद हो जाओगे तो हिंदुस्तानी कहलाओगे, अगर तुम सूबे पंजाब में जाकर आबाद हो जाओगे तो हिंदुस्तानी कहलाओगे, अगर तुम सूबे सरहद और बलूचिस्तान में जाकर आबाद हो जाओगे तो भी हिंदुस्तानी कहलाओगे, अगर तुम सूबे सिंध में भी जाकर आबाद हो जाओगे तो हिंदुस्तानी ही कहलाओगे। और जब यह कौमें खुद को मुस्तकिल करार देने लगी तो जरा गौर करो, क्या उस वक्त तुम्हारी पोजीशन पाकिस्तान में बिन बुलाए मेहमान की तरह नाजुक और बेवकत न रह जाएगी? देखो और गौर से सुनो, हिंदू तुम्हारा मजहबी मुखालिफ तो हो सकता है मगर वतनी मुखालिफ नहीं, और तुम इस सूरत हाल से निपट सकते हो मगर पाकिस्तान में तुम्हें किसी भी वक्त कौमी वतनी मुखालिफतों का सामना करना पड़ जाएगा जिसके आगे तुम बेबस हो जाओगे। और बुनियादी तौर पर इनमें सबसे पहली बात जिसने मुझे परेशान किया वो मुसलमानों का बाहमी इख्तलाफ था, जो चंद सरकारी मुलाजमीन का फेल और चंद खुद कर्जो मफाद परस्त अशखास ने हुकूमत बरतानिया की साजिश और फरेबकारी का निशाना बनकर मुसलमान उम्मत को हर सियासी हक से महरूम और उनके जहन को मफलूज कर दिया। उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि खुद हुकूमत बरतानिया मुसलमानों को इस नज़र से देखा करती है जैसे एक शोहर अपनी हरीफ की बीवी को देखता है। और पिछले दिनों लखनऊ के एक इज्तिमा से भी ये बात कह चुका हूँ कि उन बर्बादियों में जो 1947 के बाद होती रही हैं, बदकिस्मती से हर फिरका परस्त जमात के लोग इसमें इजाफा करते रहे हैं, और कोई जमात ऐसी नहीं रही है जिसके दामन पर खून का धब्बा ना लगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिस दरवाजे से फिरका परस्ती आई है उस दरवाजे को बंद कर दें। मेरे अजीजान ग्रामी, मैं आपसे बात मालूम करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी कुंज का नाश पर एक रेशमी लिहाफ डाल दोगे तो क्या आप ये साबित कर सकेंगे कि ये मुर्दा लाश नहीं है? अल्लाह अलीम है, मुझे सूरज और चांद के वजूद का इतना यकीन नहीं जितना हक की कामयाबी और बातिल के खुसरान पर ईमान है। कोई सच्ची बात इसलिए तर्क नहीं की जा सकती कि लोग इस पर एतबार नहीं करेंगे। सच सच है अगर चमाजल्ला इसका एक भी दोस्त ना हो। सच्चाई की बातें और हकीकत पर हमारा एतमाद है, और आला हक और अम्र बिल मारूफ का फर्ज शरई खौफ व जुनू में हुजूम शुभात के साथ नहीं टिक सकता। अगर दिन में तुम्हें चिराग की रोशनी धुंधली नजर आती हो तो ये उनकी आंखों का जाफ है, उनकी खातिर चिराग गुल नहीं किए जा सकते। मैं मुसलमान हूँ और मेरे यकीन के लिए फर्ज बनता है कि जो अल्लाह की किताब और मेरे नबी की शरीयत ने बताया। मेरा एतिकाद है कि आज़ाद रहना हर फर्द और कौम का पैदाइशी हक है। कोई इंसान या इंसान की हुकूमत यह हक नहीं रखती कि खुदा के बंदों को अपना महकूम बनाए। महकूमी और गुलामी के लिए कैसे ही खुशनुमा नाम क्यों न रख लिए जाएं, लेकिन यह गुलामी ही है और खुदा की मर्जी और उसके कानून के खिलाफ है। मेरे अजीजा ने ग्रामी, आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो मुझे यहाँ ले आई? मेरे लिए शाहजहाँ की इस यादगार मस्जिद में पहला इज्तिमा नहीं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी जबान काट डाली, मैंने कलम उठाया तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए, मैंने चलना चाहा तुमने मेरे पांव काट दिए, मैंने करवट लेनी चाही और तुमने मेरी कमर तोड़ दी। मेरे दामन को तुम्हारी दस्त दराजियों से गिला है, मेरा एहसास जख्मी है और मेरे दिल को सदमा है। सोचो तो सही, तुमने कौन सी राह इख्तियार की, कहाँ पहुंचे और अब कहाँ खड़े हो? खुदा हाफिज़।